सत्यशोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा संस्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य शुद्ध एवं अपरिष्ट जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इनकी विचारधारा गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन्हीं के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अति शूद्रों को पुजारी पुरोहित तथा शूद्रखोर आदि से सामाजिक सांस्कृतिक दासता से मुक्ति दिलाना। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहित की अनिवार्यता को खत्म कर शूद्र अति शूद्रों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे उन धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके और समझ सके कि जिन्हें उन्हें शोषण के लिए रचा गया है। सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उन्हें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक एवं जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना तथा पढ़े लिखे शूद्राति क्षुद्र युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि कुल मिलाकर यह सामाजिक परिवर्तन के घोषणा पत्र को लागू करने का कार्यक्रम था। एक प्रसंग है कि जिनमें ज्योतिराव फूले जी को इनके लिए प्रेरित किया था। अपने एक ब्राह्मण मित्र के शादी में वे जातिगत भेदभाव के कारण से बुरी तरह अपमानित हुए और उन्हें धक्के देके शादी के मंडप से निकाल दिया गया। घर आकर उन्होंने अपने पिताजी से इनका कारण पूछा। पिताजी ने बताया कि सदियों से यही सामाजिक व्यवस्था है और हमें इनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण भूदेव होते हैं, ऊंची जाति के लोग हैं और हम लोग नीची जाति के लोग हैं, अतः हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। फूले जी ने अपने पिता से बहस किए और कहा कि मैं ब्राह्मणों से ज़्यादा साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े भी पहने हुआ हूँ, ज़्यादातर पढ़ा लिखा और होशियार भी हूँ। हम उनसे ज़्यादा अमीर भी है, फिर भी नीचे कैसे हो गए पिताजी? पिताजी नाराज होकर बोले कि ये मुझे नहीं पता, परंतु यह सदियों से होता हुआ आ रहा है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में यही लिखा है और हमें भी यही मानना पड़ेगा क्योंकि यही परंपरा और परम सत्य है। फूले जी सोचने लगे, धर्म तो जीवन का आधार है, फिर भी धर्म को बताने वाली पुस्तकें धर्म ग्रंथों शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है? अगर सभी जीवों को भगवान ने बनाई है तो मनुष्य मनुष्य में विभेद क्यों कर रहा है? अगर ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है और जिसके कारण समाज में इतनी विषमता और छुआछूत है तो यह परम सत्य कैसे हुआ? यह असत्य है। यदि यह असत्य है तो मुझे सत्य की खोज करनी पड़ेगी और समाज को बताना ही पड़ेगा। अतः उन्होंने इस काम के लिए संगठन बनाया और उनका नाम रखा सत्यशोधक समाज। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यही तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। तो आज के इस वीडियो में हमने सत्यशोधक समाज के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको हमारी इस जानकारी में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उस कमी को सुधार के और काफ़ी बेहतर वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।